सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कंफर्म पुरवांश आयुध है, यस। सो पुरवांश इज द बैट्समैन ऑन स्ट्राइक। सिंगल से अकाउंट ओपन हुआ ये नया मैच, जिसमें एक तरफ है टीम सिंडालिया और दूसरी तरफ है एसएस लायंस, और दूसरी बॉल पर ही ये सफलता लक्ष्मण जी के नाम। सो वन रन एंड अ विकेट, कैच इज टेकन बाय लुपेश। तो लुपेश ने शानदार कैच लपका और बल्लेबाज पुरुष को आउट किया, कॉट किया और बोल्ड बाय लक्ष्मण जी। थैंक यू, अपील है एंड लेट्स सी क्या सिग्नल आता है एम्पायर का। नॉट आउट का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। बल्लेबाज अपना नाम एक बार बता दें स्कोरिंग टीम की तरफ। बैट्समैन कैन वी हैव केपी, कैन वी हैव योर नेम? यस, बैट्समैन का नाम एक बार पूछ लीजिए ना प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। हैनिल है न्यू बैट्समैन, डॉट रही पहली गेंद। अच्छी गेंद थी, टैप किया गेंद को सीधे शॉर्ट पॉइंट पर, एक सिंगल बटोरा। और इस बार सिंगल आता हुआ। सिंगल आया, सिंगल क्या हुआ? सो पहला ओवर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर के बाद रन बने हैं 3, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मैच में आमने सामने रहेगी टीम कोचर रॉकर्स और वी स्मैशर्स टीम। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। कोचर रॉकर्स एंड वी स्मैशर्स कैप्टन, कैन वी हैव यू नियर द स्टेज? विल डू द टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच। कोचर रॉकर्स एंड वी स्मैशर्स कैप्टन, उसके बाद कटारिया किंग्स एंड सीबीबी टाइगर्स। यस जी, यस जी। बॉलर कौन है? बॉलर कपिल कर रहे हैं गेंदबाजी। आ जाइए टॉस के लिए नेक्स्ट मैच, जिसमें आमने सामने हैं एक तरफ कोचर रॉकर्स और दूसरी तरफ वी स्मैशर्स कैप्टन। आइए सर। कोचर रॉकर्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें ज्वाइन करें। वी स्मैशर्स के कैप्टन एंड टीम ओनर विरल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टेज पर। कोचर रॉकर्स कैप्टन, कैन बी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज फॉर द टॉस? विल वेट फॉर हिम फॉर सम टाइम। कोचर रॉकर्स कैप्टन प्लीज आ जाएं। सो टॉस होता हुआ यहां पर नेक्स्ट मैच का कोचर रॉकर्स और के दरमियान। सो वी स्मैशर्स ने टॉस, भाई क्या करेंगे अगले मैच में? ऑल द बेस्ट फॉर द मैच, ऑल द बेस्ट टू योर टीम एज वेल कोचर रॉकर्स। सो वी स्मैशर्स ने टॉस जीता एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओ बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में है, नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई और वहां पर कैच आउट हुए हैं। वी स्मैशर्स विनिंग द टॉस, इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। बेहतरीन शॉट, पंच किया गेंद को आराम के साथ, सिंगल बटोरा और ओवर थ्रो होती हुई, लेकिन एक सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा।
बेहतरीन शॉट है, इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट। अभी बॉलिंग कब डाल, अभी जो बॉलिंग डाल रहे थे उनका नाम गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, पहली गेंद व्हाइट। स्कोर का डाला, स्कोर हो चुका है 8 दो ओवर की समाप्ति के बाद। बेहतरीन शॉट और हाथों में चोट लगी और ये बल्लेबाज, ओह माय गुडनेस, थ्रो अच्छा होता तो यतिक आधा क्रीज तक पहुंच गए थे, मानो धारावी डिपो तक पहुंच गए थे और मना किया कि भाई बस तो खाली कोई नहीं है, अब वापस चले जाओ। ये गेंद विकेट के पीछे गई है, सिंगल चुराया आराम के साथ, व्हाइट का इशारा। चलिए एक अतिरिक्त रन और एक सिंगल, यानी कि 2 रन जुड़ जाएंगे खाते पर। स्कोर 10 रन बन चुके हैं 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। बेहतरीन कवर ड्राइव, लाजवाब अफलातून शॉट और उतनी लाजवाब टाइमिंग। फुल टॉस गेंद थी, बैरर चेक था और केवल केशी करवाना था और बल्लेबाज मिडल ऑफ द बैट मीटी साउंड सैंड इन डिलेवा। 11 रन शॉट, बेहतरीन शॉट, बैक फुट पर गए, पंच किया, डायरेक्ट हिट की जरूरत लेकिन ओवर थ्रो। इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा 12 रन, पारी का 3rd ओवर। फुलटॉस और गेंद हवा में है लेकिन गेंद बाहर गई है शायद, डॉट बॉल। गेंद अगर टफ से बाहर जाती है तो रन नहीं है, वो बिंदी गेंद ही आएगी। अपील होता हुआ, जोरदार अपील, देखो मानो अंपायर को घेर सा लिया है, क्या भाव आउट नहीं दोगे क्या? और अंपायर का भाव आउट तो नहीं है, चलिए अपनी अपनी जगह पर, और हमारे अंपायर भी मुस्तैद है, भाव झुकेगा नहीं भाव। तीन ओवर 13 रन, यश बॉलर कौन है? अक्षित हर्षित, ओके। चलिए हर्षित की ये गेंद, व्हाइट का इशारा, ये रन आ रहे, लाइन ऑफ लेंथ एकदम सही रखनी होगी, दिशा और दशा ये अच्छी तरह से संभल कर डालनी होगी यहां पर गेंदबाजी।
ओ बेहतरीन बेहतरीन शॉट गेंद को खेला गली की दिशा से एक आराम के साथ टहलते हुए सिंगल, और इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 15 तीन विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है, स्टिल फोर्थ ओवर अंडर प्रोग्रेस एंड आफ्टर दिस ओवर मोर देन 2 ओवर्स टू गो देयर। बेहतरीन शॉट इस बार इनसाइड आउट, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं, गेंद आई जरूर लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं इस पर। इस बार गेंद कोशिश जरूर की थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट का इशारा, एक रन अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में जरूर जुड़ेगा। अब जो ये एक्स्ट्रा के रन आ रहे हैं ना, वो आगे जाके परेशानी का सबक बन सकते हैं एसएस लायन के लिए। और फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, दिशाहीन, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, विकेट टू विकेट, विकेट के पकड़ के चलो और लाइन और लेंथ, यहां पर गेंदबाजी आपको करनी है। अगर दिशाहीन गेंदबाजी होगी तो यही हशर होगा। स्कोर हो चुका है इस समय 17 रन बने 17। बेहतरीन शॉट हवा में है, फील्डर उसके नीचे और ऑस्ट्रेलियन टाइप कैच, जबरदस्त, गेंद को देखा और परखा जांचा और एकदम बेहतरीन कैच, निगाह जमाए रखी थी और लाजवाब। वो फील्डर का नाम बताना है किसने कैच पकड़ा है, रुपेश। जबरदस्त शॉट कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, और थोड़ा सा रूम मिला था और उस पर हरकत और बरकत दो ही, मशक्कत वाला शॉट था, जबरदस्त। एक सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 18 चार विकेट के नुकसान पर। चंडालिया टाइगर्स, संदीप जी थोड़ा सा डगआउट में खड़े हुए हैं, मैच को लुहा रहे हैं इस बार हल्के। बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल मानो लेमन कट लगे स्टंप के ऊपर से गुजरी, कोई रन नहीं आया और ओवर की समाप्ति। चार ओवर पूरे हो चुके हैं, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 चार खिलाड़ी के आउट होने के बाद। चंडालिया टाइगर्स टॉस जीता है, बल्लेबाजी चुनी है, अब आने वाली 10 गेंदें, यानी कि ये स्लो ओवर है। विकास बेहतरीन शॉट, इस बार रूम मिला था, मौका है, ओह माय गुडनेस, और दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर, थ्रो जिसने किया वो फील्डर का नाम प्लीज, कपिल भाई, वही बात है कपिल भाई, जबरदस्त फील्डिंग, एफर्टलेस फील्डिंग। We'll be right back.
बेहतरीन शॉट और पॉइंट के ऊपर से गेंद बाहर गई है, यानी कि रन कोई मिलेगा नहीं। बेहतरीन शॉट पुल किया, गिरे भी और एक सिंगल चुरा लिया। थोड़े गिरे, थोड़े संभले और उसके बाद क्रीज पर पहुंचे, पहुंचे भी। स्कोर हो चुका है इस समय 19 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बेहतरीन गेंद थी, थोड़ा बाउंस मिला, विकेट में उछाल है और थोड़ा सा कंधों का इस्तेमाल भी किया। दो बॉल फ्री, चलिए एक रन मिला और नौ का स्कोर हुआ है 19 स्कोर 20। हवा में है, नौ बॉल है, फ्री हिट है और इसमें विकेट गिरेगा नहीं और ये दौड़े वापिस आए, मना किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन सिंगल पूरा किया। एक रन के साथ स्कोर 21-21 फॉर 5। दैट्स अ लवली शॉट, वे सी फ्लाइंग ओवर मिड विकेट, बैट्समैन टेक सिंगल एंड अ डायरेक्टेड विल बी आउट एंड गॉन, बैट्समैन इज अ रन आउट हियर। नए बल्लेबाज का नाम बताना है प्लीज। रुपेश यश बॉलर कौन है? कुणाल। ओके, गेंदबाजी के लिए कुणाल। बेहतरीन शॉट ऑन दिया, बॉलर के पास से ड्राइव किया। क्या है इसका डी से नाम है? बेहतरीन शॉट, फिर एक बार रन आउट का मौका और आउट, रन आउट। चलिए एक और सफलता मिलती हुई, हाथ लगती हुई रन आउट के स्वरूप में। विकेट जैसी भी आए, इस समय विकेट का महत्व बहुत है और थोड़ी सी चंडालिया टाइगर्स थोड़ी से बैकफुट पर है लेकिन रन बनने जरूरी। स्कोर हुआ 22 सात विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट और अच्छी फील्डिंग लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई। आरजी है, आरजी का है, हाथ कर ली ना रौनक तो रौनक ली। स्कोर 30-23।
अपर कट, जबरदस्त शॉट गेंद को आने दिया था, आखिरी वक्त पर बल्ले का मुंह खोला और गेंद को धकेल दिया थर्ड विन पर सिंगल। एक रन के साथ स्कोर 24-24, विकेट गिरी है 7 आखिरी ओवर प्रगति पर। आगे निकले कड़क शॉट और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद को भेदा और ये रन आउट। चलिए एक रन मिलेगा जरूर और इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 25 है, एक रन के इतने दूसरे ओवर रन आउट चला। पच्चीस रन बने हैं इस समय और जीत के लिए एसएस लायन को बनाने हैं 26 रन। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार देखेंगे कि एसएस लायन किस तरह से रनों का पीछा करते हैं। तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अब तब तक सुनिए एक मधुर संगीत। एक प्लेयर हटे आओ नहीं प्लीज, थोड़ी दिक्कत आ रही है। दक्षित थोड़ा। पहली गेंद छोटी गेंद और उस पर लाजवाब शॉट स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, एक रन से खाता खुलता हुआ। बेहतरीन और यहां पर मिस फील्डिंग हुई आराम के साथ सिंगल। कलाइयों का सहारा था बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद और कलाइयों ने थोड़ी अंगड़ाइयां ली जरूर और रन बटोरा। कहां के फील्डर ने थोड़ी सी गलती की और गलती के सजा सिंगल में भुगतनी पड़ेगी। स्कोर बढ़ता हुआ 2।
ध्रुवीन अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड कार्पेट शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर 3, आगे निकले और मौका था जरूर विकेट कीपर के पास, एक मौका आपने गवाया और ये कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर सर यू आओ ना, स्ट्राइक पर लोपेश, बेहतरीन शॉट, लाजवाब रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट की जरूरत, ये अगर डायरेक्ट हिट लगती तो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन उतनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मानो विकेट के बीच में चीते की चाल दौड़ रहे हो और रन पूरे किए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4। बेहतरीन पार्टनरशिप, बॉलर कौन है, जेनिट, हेलो जेनिट, बॉलर कौन है, जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट, कहते ना कली मत तोड़ो फूल खिलेंगे, दिल मत तोड़ो फिर मिलेंगे, जबरदस्त शॉट, क्या एफर्टलेस शॉट, जबरदस्त, और मना किया, मना किया, सही किया, बिल्कुल एक चौका आ गया है, बिल्कुल बल्लेबाजों की नजर इस समय गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है उनको, और यहां पर तो रन नहीं मिलेंगे शायद, बड़ा शॉट खेलने की चाहत रख रहे थे, कहते ना बिखरने में वक्त नहीं लगता लेकिन निखरने में वक्त लगता है, बिखर जाओगे और निखर जाओगे काफी अंतर होता है उसमें। ओहो क्या बात है, क्या बात है, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक मेकिंग देखिए कितना लाजवाब है, बल्ले और बॉल का मिलन देखो कितना हो रहा है आसानी के साथ, कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और गेंद का जवाब बल्ले से देंगे। ओहो फिर एक बार बेहतरीन शॉट, पॉइंट और कवर के ऊपर से आराम के साथ सेंसिबल बैटिंग, मानो नवरत्न कूल दिमाग पे डाला हो, ठंडा ठंडा सर रख रहे हैं और आराम के साथ सिंगल बटोर रहे हैं। स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10। अब 20 गेंदों पर 16 रन बनाने हैं, दोनों ही बल्लेबाजों की सूझबूझ भरी पारी, जिनित, जिनित बॉलर कौन है, विकास, विकास, चलिए विकास जी आए हैं, थोड़ा सा बल्ला चेंज किया है, बेहतरीन रुमाल से लपेटा है, मानो हाथ में पसीना आ रहा है, बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज, विकास की ये गेंद, विकास आए और विकास गए और वो भी ग्राउंड के बाहर, लेकिन यहां पर रन मिले कि नहीं, बल्ला चेंज किया, हरकत की गया और
रन तो मिला नहीं लेकिन एक बिंदी गेंद जरूर आ गई। जबरदस्त जबरदस्त ये गेंद रन आया नहीं, भाग्यशाली रहे विकास। और ये भी गई है शायद बाहर, दो गेंदे बाहर भेजी है। अगर ये ओपन ग्राउंड होता ना दक्षित भाई तो शायद चार या छह मिल जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अपोजिट टीम को। चंडालिया यही कहता होगा कि यही लेन पर रखो, भले बड़े शॉट खेले बाहर ही जाए, लेकिन ये अब तीसरी गेंद पर देखना होगा। कहते ना जिंदगी में उतार चढ़ाव आने भी जरूरी होती है, क्योंकि ईसीजी की एक सीधी लाइन का मतलब है। ओहो ये अंदर आई गेंद, सिंगल ही मिलेगा बिल्कुल, थोड़ी तो ऐसा लगा कि गेंद बाहर जा रही है कि क्या, लेकिन एक सिंगल दे के गई, दे रहा है दुरुस्त है, सिंगल मिला 11 रन। बेहतरीन शॉट इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, मौका था और नजाकत भरा शॉट, रूम था, मौका था, नजाकत थी और एक बेहतरीन टाइमिंग भरा शॉट। बैट के बीचों बीच अच्छी गेंदों को सम्मान देना और खराब गेंदों को आर पार बाउंड्री के बाहर भेजना। और ये लीजिए भैया स्विमिंग पूल करने गई है, गेंद को गर्मी लग गई। अब भैया गर्मी लगी है तो फिर उसको नहला दो। चलिए भैया वो भी गई है स्विमिंग पूल में, सुबह से हम गर्मी से नहा चुके हैं और गेंदे भैया बिचारी नहा रही है। चलिए कोई बात नहीं, स्कोर हो चुका है 12 और बल्लेबाजों को भी पसीना छूट रहा है। भैया कहते ना पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जीनित बॉलर कौन है? विशाल, विशाल बोलते हो? ओह ये गेंद बिल्कुल लेक्सब को बाहर थी, व्हाइट का इशारा, एक अतिरिक्त आता हुआ रन, एक एक रन इस समय कीमती है, एक एक रन का मोल है। ओहो करेक्ट फुल टॉस गेंद, मिड विकेट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, हवाई सफर कराया। एक रन स्कोर 14। बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से फुल टॉस गेंद थी और लाजवाब शॉट। पार्टनरशिप देखिए कितनी बेहतरीन है, एक एक रन कारगर साबित हो रहा है इस समय एसएस लायन। स्कोर हो चुका है 15। यहां पर देख रहा होगा लेग स्टंप की बार थी, थोड़ा सा नो बॉल, यस फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट। सरस शॉट जबरदस्त, बॉलर के सर के ऊपर से खेला, एकदम बैट और बॉल का मिलन अफलातून हो रहा है, तबला तोड़। 17 रन बन चुके हैं, रन बनाने हैं 26, बने हैं 17। थोड़ी सी धूप छाव आती हुई मैदान में, कहते ना कभी खुशी तो कभी गम, तो ये यहां पर भी देखने को मिल रहा है, कभी छाव तो कभी ताव। और सिंगल चुरा लिया है, ओ डायरी
नहीं थी और थोड़े से नाराज लुपेश। इट्स अ बैक टू द पवेलियन, दिस विल बी अ बिग फिश, बड़ी मछली। दूसरे रन पर, माफ कीजिए, पहला रन था, कोई रन नहीं था। स्कोर हो चुका है इस समय 17, माफ कीजिए। लुपेश ने रन निकाला था, दीक्षित का स्ट्राइक, एक रन निकाला था ना, एक रन नहीं। स्कोर क्या था? स्कोर 19 रन बने हैं, 19 रन बन चुके हैं। बेहतरी शॉट, कवर ड्राइव, थोड़ा सा रूम था हाथ खोलने का मौका, बेहतरीन एसएस लाइन। छह रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। हो बेहतरीन शॉट, सिंगल आता हुआ और ये ओवरथ्रो, ओवरथ्रो दूसरे की मांग और ये एक दो रन आराम के साथ पूरे किए। चार रनों की दरकार, 10 गेंदे 4 रन। कहते ना पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ और एसएस लायन को झुका देने वाला माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ। चलिए रन आते हुए एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ेंगे, 23 रन, केवल 3 रन दूर। दस गेंदे और 3 रन। ओह हवाई सफर, हवाई यात्रा, फील्डर नीचे झोली में कैच गिरा, मानो ऊपर वाले ने सुन ली है और बल्लेबाज को कहा चलिए भैया अपने डगआउट में लौटना ही पड़ेगा आपको। कैच किसने लिया था, कैच पकड़ने वाले फील्डर का नाम बताना होगा आपको। विकास, विकास, चलिए विकास ने विकास तो किया। ओ हवा में गेंद, इस बार वाइडी श्लोगन पर खेला हुआ, 2 रन की मांग है और ये रन पूरे किए हैं 2, केवल 1 रन की दरकार। इस समय एसएस लायन ऑन फायर, कहते ना आग पानी और लायन से कभी खेलना नहीं, ये फिर चीर फाड़ खाएगा। डगआउट की आवाज आ रही है, 21 रन सही है, घाई मती कर जे। और ये गेंद बिल्कुल वाइड और इसी के साथ मैच जीतता हुआ एसएस लायन, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी हार्ड लक बाय चंडालिया टाइगर्स। चलिए तो अगला मैच कोच और रोकर्स और वी स्मैशर के बीच में।